परम डमा डमा नमाम्य हम श्री अमरनाथ ईश्वरम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएमजी देसी टूरिस्ट। जय बाबा बर्फानी की। आज हम बाबा अमरनाथ यात्रा 2023 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, मैं इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप इसे खुद घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बहुत सीट अवेलेबल है, फिर भी जिन लोगों को अपनी पसंद की सीट ना मिले, जो भी डेट उसमें चाहते हैं और वो सीट ना मिले, तो वो उनके लिए मैं ऑफलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन होगा इसके बारे में वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को मिस ना करें। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में अमरनाथ यात्रा 2023 टाइप करके जो भी पहला लिंक खुले उस पर क्लिक करना है, तो आप श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे पहुंच जाएंगे। यहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक दिया हुआ है, येलो कलर का लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है तो आपको एक नई विंडो खुल जाएगी। इसमें स्टेप टू फॉलो, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके बारे में लिखा हुआ है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, वेरीफाई ओटीपी, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एसएमएस सेंड, पे एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन और डाउनलोड यात्रा टिकट, ये इसका इस प्रोसेस है पूरा। उसके बाद में इसमें कुछ डोंट्स और डूज लिखे हुए हैं, उनको आपको फॉलो करना है। तो पहला है डूज, कि यात्रा में फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। इसके लिए आपको 4 से 5 किलोमीटर पर डे वॉक करना है यात्रा से 1 महीने पहले। दूसरा है आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, योगा प्राणायाम वगैरह करने होंगे। आपको डेली कम से कम 5 लीटर पानी पीना है और आपका जो ब्लड शुगर है उसका लेवल ठीक ठाक रखना है। उसके बाद में आपको कोई भी इलनेस है तो उसके इलाज करवाना है। डोंट्स में है डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल, कैफीनेट और स्मोक। डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग इस यात्री से, जो भी कुछ कह रहा है उनकी नहीं मानना है। और कोई भी अगर आपको हाई एल्टीट्यूड से इलनेस के सिम्टम्स दिखे तो उसको इग्नोर नहीं करना है। नोट्स हैं, पहला है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑथराइज डॉक्टर के द्वारा ही साइन किया हुआ होना चाहिए। जो फोटो अपलोड करेंगे वो JPEG और JPG फॉर्मेट में और 1 MB से कम होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट को स्कैन करना है और PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपलोड करना है और उसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। जो पर्सन की एज है वो 13 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडी को भी परमिट नहीं किया जाएगा। और यात्रा के टाइम पे आपको ओरिजिनल फोटो आईडी और मेडिकल सर्टिफिकेट जो साइन किया है वो जरूरी है। उसके बाद इनको एग्री करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपको नेक्स्ट में भरना है रूट ऑफ यात्रा, कौन सा रूट आपको चूज करना है, डेट ऑफ यात्रा किस डेट में। उसके बाद में चेक अवेलेबिलिटी, सीट अवेलेबल है नहीं है। अभी जो आज मैं देख रहा हूँ तो आज 13 तारीख को ही अवेलेबल है, 1 से 12 तक फिल हो गई है। उसके बाद है यात्रा, यात्री का फुल नेम, फादर्स नेम, उनका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद में आधार नंबर, किस स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट ऑफ किन का नाम, उनका रिलेशन आपसे क्या है, ब्लड ग्रुप और यात्री का एड्रेस, ये डिटेल्स आपको भरने हैं। मेडिकल डिटेल्स के में है स्टेट, लोकेशन, हॉस्पिटल का नाम जहां पे आपने मेडिकल कराया है, अथॉरिटी का नाम। उसके बाद में फोटो, JPG फॉर्मेट में
अपलोड करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट की डेट है उसको मेंशन करना है, कैप्चा डालना है, उसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में श्राइन बोर्ड उस एप्लीकेशन को प्रोसेसिंग पे लेगा और अप्रूवल का मैसेज भेज देगा। मैसेज आने पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और उसके बाद में आपको परमिट यात्रा का डाउनलोड कर लेना है। जिन भक्तों को अपनी पसंद की तारीख को अगर सीट नहीं मिली है वे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बारे में बताऊंगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जून में स्टार्ट होगा, जिसके लिए सीट रिजर्व रहती है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपकी अमरनाथ यात्रा 2023 से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय बाबा बर्फानी की। आगे मिलते हैं, आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से रूट से आपको जाना चाहिए, कौन सा रूट सबसे सही है, पहलगाम वाला या बालटाल वाला, श्रीनगर से जाना चाहिए या आपको जम्मू से जाना चाहिए, जो बेस्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।